सुरां दे सिकंदर सरदूल सिकंदर जी इस फानी संसार नूं छड्ड के हमेशा लई साडे पासों दूर चले गए थे, जिहड़ा कि समुचे पंजाब लई कला प्रेमियां लई एक बहुत वड्डा घाटा है। वह एक अजिहे कलाकार सन जिहड़े कि किसी सभ्याचार दे विच जां किसी कौम दे विच जां फिर किसी इलाके दे विच देश दे लोकां दे विच कदे कदाई ही आउंदे ने। उन्होंने पंजाबी सभ्याचार नूं अपने गीतां राहीं जो दुनिया दे विच पहुँचाउण वास्ते यतन किते, जो मां बोली पंजाबी नूं माण दवाया, वो अपने आप दे विच बहुत वड्डी प्राप्ति है। उन्होंने गाए हुए गीत आ गई रोडवेज दी लारी, हुसना दे मालको सताया ना करो, फुल्लां दी ये कच्ची व्यापार ने कंडियां दे भासां नूं तोलना, अजिहे गीत गाए जिहड़े कि अपने आप दे विच बहुत वड्डी मिसाल हन। ना किते असलीलता है ते ना किते इन्हां गीतां दे विच कोई अजिही गल है कि अजिहे गीतां नूं असीं परिवार दे विच बैठ के ना सुन सकते होइए। सो उन्हां दीआं प्राप्तियां बहुत वड्डियां प्राप्तियां ने ते बहुत छोटी उम्र दे विच चले गए, परंतु जिवें कि असीं जाणदे हाँ जमन अते मरण जन्म अते मौत दे विचकार दा ये बहुत थोड़ा समा हुंदा है जिहड़ा कि हर इंसान नूं मिलदा है। ते दो अजिहे मौके हुंदे ने कि जन्म अते मौत दे उपर किसी इंसान दा कोई बस नहीं चलदा। असीं सारे इत्थे संसार दे विच आए हाँ, साडा जीवन इस तरह है जिवें पंछी आउंदे ने किसी वृक्ष दे उपर पेड़ दे उपर बैठ के चले जांदे ने, किसी पेड़ दे उपर बैठ के तरह तरह के गीत गुणगुणाते ने ते फिर उडारी मार के किते दूर चले जाते हैं, किसी अणदसी थां ते चले जाते हैं। इस तरह असी सारे भी एक दिन इस संसार दे विच्चों चले जाते हैं। सिकंदर जी चले गए ने, एक दिन दुनिया के महान सिकंदर जिन्होंने कि दुनिया को जितने का सुपना लिया सी, वह भी इस दुनिया तो चले गए, जिन्हां बारे साईं बुल्ले शाह जी दे बोल ने, किथे है सुल्तान सिकंदर मौत न छड़े पीर पैगंबर, सभे छड़ छड़ गए अडंबर। ते अखीर की गल आखदे ने बुल्ले शाह जी कि उठ जाग कुराड़े मार नहीं। ये जीवन बड़ा अनमोल है। किथे हन देसां दे राजे नाल जिन्हां दे वजदे बाजे, गए हो के वे तख्ते ताजे। किधर गए वो लोग जिहड़े पूरी दुनिया नूं जितन वाले महाराजे सन, जिन्हां ने ताज पहने हुए सन, जिन्हां दे नाल 24 घंटे बाजे बजदे सन। सो उन्हां सारिआं नूं वी इत्थों जाणा पैंदा है। ये जिहड़ा संसार है एक सुपने मात्र है, जन्म ते मौत दे उपर किसे इंसान दा कोई जोर नहीं चलदा। ये सब रजा दी गल है, पाणी दी गल है, हुक्म दी गल है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म तो बाहर ये सृष्टि दे विच कुछ भी नहीं वापरता है। परंतु जो भी इंसान इस दुनिया दे विच आउंदा है, उस दीआं जिहड़ीआं प्राप्तियां ने, वह जिहड़ी जीवन की खेड इत्थे खेड के जांदा है, उस ते कई बारी परमात्मा की अजिही बख्शिश हो जाती है कि सारे लोग उस इंसान दीआं प्राप्तियां ते माण महसूस करते ने। अज साडे हिरदिआं दे विच बड़ा प्यार है। अल्लाह दा नूर अमर नूरी नूं मिल के सरदूल सिकंदर जी ने पंजाबी संगीत नूं अमर कर दिता। कला प्रेमियां दे दिलां दे विच वह हमेशा जीवित रहणगे। वह सिर्फ सुरां दे ही बादशाह नहीं सन, विचारां दे भी बादशाह सन। उन्होंने थोड़ा बोलिया ते जदों भी बोलिया सोच समझ के बोलिया। असीं वेखदे हां कि जिस मौके सरदूल सिकंदर जी सानूं विछोड़ा दे के गए ने, किसानी संघर्ष चल रहा है। एक रोटी का संघर्ष है, एक रोटी की खातर किसान है जिहड़ा संघर्ष लड़ रहा है। किसान ने मोर्चा लाया होया है। रोटी है जिहड़ी एक किसी की तिजोरी च ना जावे, ये रोटी है जिहड़ी सारिआं नूं मिले। सो अजिहे मौके भी सरदूल जी ने
किसानी मोर्चे दे विच किसानी संघर्ष दे विच जिहड़े विचार पेश कीते ने वह अपने आप दे विच बड़े अनमोल ने। सरदूल जी आख रहे ने हिंदू मुसलिम सिख ईसाई आ गए ने सारे, तेरी हार जकीनी है ने सुन लै दिल्ली दी सरकार है। दिल्ली दी सरकार नूं बंगार करदे ने ते आखदे ने कि हर बच्चा इत्थे भगत सिंह बन के आया, हर बच्चा इत्थे उधम सिंह बन के आया, हर बच्चा इत्थे मदन लाल ढींगरा बन के आया, तो हर जिहड़ी माँ है बीबी है वो इत्थे विद्यावती बन के आई है। तो सानूं यकीन है कि साडी जित है जिहड़ी वो यकीनी है, क्योंकि असीं हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जदों भी बोलदे, जदों भी कोई गल करदे, बड़ी सियाणप दे नाल करदे, बड़े प्रमाणा दे नाल करदे, पंजाब जींदा गुरां दे नां ते गुरुआं नूं हमेशा अपने हिरदे दे विच याद करदे, गुरुआं दे प्रमाण दिंदे। तो किसानी संघर्ष बारे भी सरदूल जी आखदे ने कि ये जिहड़े किसान ने कदे भी हार नहीं सकते, क्योंकि इन्हां किसानां ने श्री गुरु नानक देव जी दे कोलों शांति दा सबक सिखिया। इन्हां किसानां ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोलों खंडा खड़काउणा भी सिखिया। उन्हां कहा साडा देश जिउंदा ही तिन्हां गल्लां ते है, जवान किसान ते फिर इन्हां नूं मिलके बनदा हिंदुस्तान। ते जेकर जवान ते किसान तों परे असीं जांदे हां तां उह बर्बादी है। वो तो इतों तक भी आखते सन कि किसानी संघर्ष लई मैं 100-100 बार कुर्बान जाना। उस मौके उन्हां दी सेहत ठीक नहीं सी, परंतु उन्होंने कहा कि किसानी संघर्ष हक सच का संघर्ष है, जिथे हिंदू सिख मुसलमान सारे एक मंच से इकट्ठे हुए ने, सारे इंसानियत का होका दे रहे ने। तो अजिहा जिहड़ा संघर्ष है, अजिहा जिहड़ा मोर्चा है, उत्थे तां इक मुरदा बंदा भी मरिया होया बंदा भी खड़ा हो के एक किसानां दे हक विच इस मंच ते आ जावे। जदों उन्हां नूं गिले सिकवियां दी गल पुछी गई कि कुछ साडे पंजाबी भरा ने जिहड़े कि फिल्मां दे विच फिल्म इंडस्ट्री दे विच बहुत ऊंचे स्थान ते बैठे हुए ने, बहुत चंगे चंगे गायक ने, वो किसानां दे हक विच क्यों नहीं आके खलोंदे, तां बड़ी ही तहजीब दे नाल, इखलाक दे नाल, बड़ी ही दलील दे नाल सरदूल जी जवाब दिंदे ने कि जरूर उन्हां दी कोई मजबूरी रही होगी, जरूर उन्हां ते कोई प्रेशर होगा, परंतु मेरी निजी विचारधारा यह है कि जिहड़ी सरकार दी जनता दुखी होवे उह सरकार दा फिर राज करन दा की फायदा। जिहड़े अहुदेदार अहुदियां ते बैठे होए ने, जेकर उस अहुदे नाल उह इंसाफ नहीं कर सकते तां फिर उन्हां नूं इह अहुदा पाउण दा की हक्क है। जदों उन्हां नूं पुछिया गया कि जेकर तुहानूं भी अजिहे अहुदे दित्ते जाण, तां सरदूल जी ने जवाब दिता कि पहली गल तां इह है कि मैनूं कदे भी जीवन दे विच अजिहे जिहड़े अहुदे ने उन्हां दी मेरे अंदर कोई तृष्णा कदे पैदा नहीं होई। दूजी गल इह है जेकर मैं किसी अहुदे ते हुंदा भी तां जदों मेरा किसान वीर मजदूर इत्थे आ के इस तरह बैठे हुए ने तां मैं कदे भी अपने उस अहुदे ते नहीं बह सकदा सी। ते अगली गल उह आखदे ने कि किसी पार्टी वालों बनाए हुए चाहे वह MLA हो चाहे MP हो पांच साल वास्ते होंगे, परंतु कलाकार जिहड़े कला प्रेमी ने, जिहड़े आम प्यारे लोग ने, जिहड़े कला नूं समझदे ने, वह हमेशा वास्ते एक अजिहा अहुदा दिंदे ने जिहड़ा कि किसी MP दे नालों MLA दे नालों बहुत वड्डा हुंदा है। लोगों का प्यार इस तो वड्डा कोई अहुदा नहीं हो सकता। सो अज बड़ी दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी दे विच असीं सारे प्रार्थना करते हाँ कि परमात्मा सरदूल सिकंदर जी की विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शे, तो उन्हां दे जिहड़े प्यारे बच्चे ने उन्हां नूं भी परमात्मा इस तरह कला की समत बख्शे ता कि वह पंजाबी सभ्याचार की इस तरह सेवा करते रहन। तो ये प्रार्थना करते हाँ कि साढ़े छोटी भैन
बीबी अमर नूरी जी नूं परमात्मा शक्ति बख्शे, सारे परिवार नूं परमात्मा भाणा मनन दा बल बख्शे। हुक्म है अंदर सब को, जोर ना जीवन मरण ना जोर।